Assalamu alaikum ji, welcome to Coffee with Ali. Main hoon Ali Salman Khawateen aur Azraat. The objective of this show is extremely simple. You come across people who have achieved big in their lives aur na sirf ye ki Allah subhanahu wa taala ne unko apni zindagi mein koi martaba koi maqam diya, but Allah subhanahu wa taala ne unko mauka diya ki they give it back to the people. They do it back for the society jinki wajah se aaj wo us martabe aur maqam par maujood hain. Aaj hamare sath maujood hain mere baba ji. Jadon koi masla honda main dua karan inna de kol jana. Dam darood wale babe hote hain, bam barood wale baba hain. Ye kyunki Faisalabad se hain, ye dam barood wale hain. Ye dam karke aapka barood paad dete hain. Nobody else but the legend himself, Mr. Nabeel Zafar. Paijan, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sir, wo main tusi mazak bheje ji, Faisalabad banda janda hai, kehnda hai. अफसोस करना है। नवील भाई, आपकी जर्नी को कितने साल हो गए यार? 32 years, अल्हम्दुलिल्लाह। और पता है, जब हम अपने बुजुर्गों से पूछते थे ना, कहते थे यार टाइम का पता ही नहीं चलेगा। एग्जैक्टली, नाउ वी लुक एट आवर चिल्ड्रन एंड यू लुक बैक, यू लुक अहेड, और पीछे मुड़ के देखते हैं और फिर आप 30-30 साल, 25-25 साल। यकीन करो, जब मैं आया था, मुझे 2-3 साल हुए थे, तो मेरा एक बहुत हिट प्ले हुआ था धुआं, माशाल्लाह। तो मुझे उस वक्त लोग पूछते थे आपको कितना अरसा हुआ, तो मैं कहता था 2-3 साल हुए हैं अभी आए हुए। तो आप सोचो कि मुझे ऐसे लगता है, मैं ब्लिंक करता हूँ तो मुझे लगता है कि यार वो टाइम ऐसे गुजर गया, अभी मैं कल ही तो आया था, अभी कल ही तो मैं स्ट्रगल कर रहा था लाहौर की सड़कों पे। यार, आपने इतने बड़े बड़े लोगों के साथ वक्त गुजारा, अशफाक अहमद साहब और द लेजेंड्स ऑफ दैट टाइम। पहले तो ये बताएं कि ये आपको हादसाती तौर पे ये कीड़ा डिस्कवर हुआ था कि अल्लाह ने आपको टैलेंट दिया हुआ है? नहीं नहीं, ये कीड़ा डिस्कवर नहीं हुआ। हाँ। ना कोई शौक था, ये एक बगावत टाइप काम था। रेबल थे? हाँ। सिस्टम के, घर के, फैमिली के? वही फैमिली में, यार हालात का अच्छा ना होना, बाप को देखना बड़ी मुशक्कत करते हुए, स्ट्रगल करते हुए। और एक टाइम में सुना था कि बाप बहुत अच्छे वेल ऑफ थे बिफोर पार्टीशन, यहाँ आके सेटल नहीं हुए। जब मैंने ये तो मुझे लगा कि यार मुझे ना कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, कुछ फैमिली के लिए करना है। तो मैं उस हवाले से कोशिश, मेरे पास और कोई ऑप्शन था नहीं, तो मैं, मुझे किसी ने कहा यार ये करना है, तो मैं तो जिंदगी में आई वॉज वेरी शाई पर्सन। तो आपने कभी पढ़ाई प्रेफरेंस पे थी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी? नहीं थी। हाँ। मतलब आई वॉज गुड स्टूडेंट, लेकिन ऐसा नहीं था कोई टॉपर नहीं। बहन भाई कितने थे? यार हम लोग 5 भाई और एक बहन। माशाल्लाह। बहन एक है? एक बहन। वो कहाँ होती है? वो फैसलाबाद में। आशीष सेल इन फैसलाबाद। हाँ जी, हाँ जी। और बाकी 4 भाई जो हैं वो? यार 2 भाई तो अल्लाह को प्यारे हो गए, बड़े शरीफ अदा। हाँ, और बाकी 2, एक स्कॉटलैंड में है और एक फैसलाबाद में। तो ये जो स्कॉटलैंड वाला भाई ताड़ा व्याह करान दी कॉन्स्पिरेसी, उन्हें कितनी सी? नहीं 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 नहीं, वो तुसी आप ही? अच्छा नहीं, हाँ वो थोड़ा सा उसका भी हाथ था। अच्छा, उस पर बाद में जाएंगे, फैसलाबाद वापस आ जाए। तो यू वर अ रेबल, और बदले वो बंदा रेबल होता तो कहता है कि मैं सोसाइटी बदल देंगे, कोई काम पा देंगे। तुसी ये, हाउ डिड यू एंड अप हियर? यार मुझे ना ऐसे ही, मैं बता रहा हूँ कि वो जब मैं ग्रेजुएशन की है ना, तो ग्रेजुएशन के बाद एक टाइम आता है बीच में जहाँ आप मास्टर्स के लिए जा रहे होते हो, बीच में कुछ 6-8 महीने का टाइम होता है। उस टाइम में कोई ऐसा चांस बना कि मुझे एक थिएटर की ऑफर हुई। वाह वाह। और उससे पहले कुछ नहीं किया? ना 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 ना। वो किसी ने कहा यार शक्ल, वो आपको पता है ना हमारे यहाँ क्या, थोड़े से आपकी हाइट अच्छी है, शक्ल अच्छी है, तो हर बंदा आपको कहता है यार तुम एक्टिंग क्यों नहीं करते। ये हमारे यहाँ है ना, हमारे बच्चों को कहते हैं यार ये तो हमारा हीरो बच्चा है। बच्चा उठ खराब हो गया। तो मुझे एक थिएटर में चांस मिला, वो कमर्शियल सा थिएटर था, सस्ता बकरा महंगा कसाई, तारिक जावेद अल्लाह गरी के रहमत करे वो उसके डायरेक्टर थे। उन्होंने मुझे कहा यार तुम करो, करोगे? हमने दिल से हाथ रख के कहो तानू हुन मौका मिले सस्ता बकरा महंगा के तुसी करोगे? अच्छा वो उस वक्त जब मैं बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट 90। हां, उस वक्त थिएटर जो था वो ऐसा नहीं था। अच्छा, उस वक्त सही था? हाँ हाँ, ये लाइट थिएटर बड़ा कहानी वाला और प्रॉपर होता था। अच्छा, ये तो 95 के बाद काम बदला है बड़ा। अच्छा, ओके ओके। हाँ हाँ, उससे पहले तो पूरी फैमिलीज आती थी यार, माशाल्लाह। हाँ हाँ, पूरी फैमिलीज आके थे। तुसी उधर सस्ते बकरे सो या महंगे कसाई? मैं उसमें महंगा कसाई। सही था यार वो, मैं तो हाँ कर ली, रिहर्सल भी उन्होंने करा दी। रिहर्सल में तो 6 लोग होते हैं। जब जिस दिन पहला शो था ना, मैं को याद आई मैंने क्या कर लिया। अच्छा, अब मैंने जो रीगल सिनेमा है वहीं फैसलाबाद में मेन बाजार पे, तो वहाँ मैंने ऐसे करके विंग में से देखा, तो मुझे लगा कि मेरे तो आधा तो मेरे जानने वाले लोग बैठे। अच्छा, और
आपको शुरू में जानने वाले लोगों के सामने परफॉर्म करना सबसे मुश्किल लगता है, शर्म आती है। अब मैं खड़ा हूँ विंग में, तो मुझे पीछे से असिस्टेंट कह रहा एंट्री का टाइम, एंट्री एंट्री। तो मैं उसको मुड़ के देख रहा हूँ, जैसे ब्लैंक सा नहीं हुआ, कह रहा है एंट्री। उसने मुझे पुश किया, मुझे अभी भी याद है, मुझे ऐसा लगा मेरी टांगों में से ना कुछ जमीन से निकली और मैं एक लाइटों के बीच में यूं घुस गया। बार वो जब मैं घुसा, वो उसने एक मुझे पीछे से क्यू की भी हल्की सी आवाज आई और मैंने वो क्यू पकड़ के बोलना शुरू किया। तो वो फिर आपको पता है वापस आ गया, एक आ जाता है आपको कर। तो वो जब पहला शो खत्म हुआ तो लोगों ने कहा यार तुम ऐसे डरे हुए थे, तुमने तो ठीक किया माशाल्लाह। अच्छा, मैंने अब मुझे पता था कि मैंने कितना की ठीक किया। तो मैंने जो है हाल पेड़ नहीं पता। तो बहरहाल वो इस तरह करके, अच्छा जब मैंने थोड़ा सा थिएटर किया तो बड़ा शोर मचा के यार ये क्या काम। अच्छा उस वक्त सच्ची बात ये है कि बड़ा प्रॉब्लम ये थे उस वक्त, घर वालों में एक्सेप्टेंस थी ना यार? ना बिल्कुल भी नहीं।